इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो किसी भी यूथ की जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने लाइफ को इनहेंस्ड होते हुए देखना चाहता है, मतलब लाइफ को ज्यादा अनुभव करना चाहता है। तो लाइफ को ज्यादा अनुभव करने के कई सही तरीके हैं और कई गलत। तो अगर आपको कोई सही तरीका नहीं बताएगा तो ऑब्वियस है कि आप शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाओगे जिंदगी को ज्यादा अनुभव करने के लिए। एक इंसान जो एक बार में जाता है और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर या मस्जिद में जाता है, दोनों का मकसद एक्चुअली एक ही होता है। वो दोनों एक ही चीज को सीख कर रहे होते हैं, लाइफ को ज्यादा अनुभव करना। अगर आप या कोई और इंसान सिगरेट का सेवन करता है, कंसिस्टेंटली अल्कोहल का सेवन करता है या फिर गुटखे की आदत है, तो वो जस्ट एक किक के लिए करता है जो उसे थोड़ी देर के लिए मिलती है, पर वो तरीका गलत होता है। और क्यों गलत होता है, मतलब अगर मैं गुटखा का सेवन कर रहा हूँ और मुझे 10 मिनट के लिए गजब फील हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना। 10 मिनट के लिए तो मेरी लाइफ इनहेंस्ड हो गई। देखो, फैक्ट ये है कि ये यूनिवर्स बैलेंसिंग के प्रिंसिपल पर चलता है। हर कुछ अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो आप ड्रिंक करने के बाद 10 मिनट तक तो एक्सटेसी में रहोगे, ब्लिस में रहोगे, पर वो 10 मिनट आपके जिंदगी के 10 दिन को लो कर देगा। 10 दिन में आपको जो नॉर्मल मजा मिलता है, क्योंकि आप उस मजे को कॉम्प्रेस करके सिर्फ 10 मिनट में ही अनुभव कर लिए हो, इसलिए जब नशा उतरेगा तब आपको आने वाले दिनों में विड्रॉल सिम्टम होगा। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उतना ड्यूरेशन का मजा आप एक ही जगह पर एक्सपीरियंस कर लिए हो, आउट ऑफ बैलेंस। इसलिए अगले दिन आप फिर से उसी का सेवन करोगे और ज्यादा मात्रा में करोगे, उस सेम हाई को फील करने के लिए। और ज्यादा सेवन से मेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट्स भी होने लगेंगे। नशे से आप लाइफ को इनहेंस करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, पर वो आपको पीछे ले जाता है। आजकल लगभग हर दूसरा इंसान नशा करता है, और अगर आप नशा नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत लकी मानो यार। पर अगर आप करते हो तब आपको इसे लॉजिकली नहीं बल्कि दिल से सोचने की जरूरत है। अरे नशा करना है तो सफलता का नशा करो ना, नशा करना है तो प्यार का नशा करो ना, नशा करना है तो पैसे का नशा करो ना, नशा करना है तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का, कनेक्शन बनाने का नशा करो ना, नशा करना है तो अपने आप को फिट और फिट रखने का नशा करो ना। क्योंकि ये सब ऐसा नशा है जो जब आप करते हो तब दुनिया आपकी तारीफ करती है, और जब दुनिया तारीफ करेगी आपकी तब जो आप मजे को फील करोगे ये शराब या ड्रग से लाखों गुना ज्यादा होगा। नशा को अगर आप वैज्ञानिक रूप में समझो तब शायद ये आपकी जिंदगी बदल दे। नशा का मेन कारण होता है केमिकल्स, यानी दिमाग में भरे रसायन। आपने केमिस्ट्री में तो बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना? तो वैसे ही आपके दिमाग में भी कई केमिकल्स होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सबका राजा डोपामाइन। बाहर की दुनिया में इतने बड़े बड़े केमिकल्स के प्लांट देखते हो आपको शायद पता नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल केमिकल का फैक्ट्री आपके अंदर है, आपका ये दिमाग। ऑक्सीटोसिन, जब आप किसी से गले मिलते हो या फिर किसी से हाथ मिलाते हो या किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को टच करते हो तब ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है आपके दिमाग में। फ्रेंडशिप में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप किसी का हाथ पकड़कर चलते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग का केमिकल भी बोला जाता है। ऐसा आपके साथ होता होगा कि अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो और वो आपके आसपास होता है या होती है तब आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, पूर्ण फील करते हो, और जैसे ही वो इंसान दूर जाता है या जाती है तब आपका माइंड उसके तरफ चला जाता है और वही आपके यूनिवर्स का सेंटर बन जाता है। ये सब ऑक्सीटोसिन केमिकल के चलते ही होता है। सेरोटोनिन, याद करो वो मोमेंट जब किसी ने आपकी तारीफ की हो या आपके बारे में सबके सामने कुछ अच्छा बोला हो, आप अंदर से फुल जाते हो, वो एक्चुअली सेरोटोनिन से ही होता है। एंडोर्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपको अच्छा फील होता है, तो उस समय एंडोर्फिन रिलीज होता है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपकी बॉडी डिजायर कर रही है। डोपामाइन, डोपामाइन ही वो केमिकल है जो कि गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल और बाकी एडिक्टिव चीजों के समय निकलता है। लव के समय, प्यार या जो भी बोलो, लव के समय जो केमिकल निकलता है वो होता है डोपामाइन। पर फैक्ट ये है कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि लव के समय डोपामाइन के साथ साथ एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और सारे केमिकल्स एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली एक साथ रिलीज हो जाते हैं। याद करो वो मोमेंट जिसमें आपने किसी इंसान को देखा हो तब आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग जो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, उस समय यही होता है। ऑल केमिकल्स एट वंस। एक वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसी मोमेंट में जो फीलिंग होती है वो कोकेन
ड्रग से भी ज्यादा होती है, वो कोकेन ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है। तो यही है उसका कारण, सारी केमिकल्स एक साथ रिलीज होना। तो अभी मैंने जितने केमिकल्स के बारे में आपको बताया, वो क्यों बताया? वो इसलिए बताया ताकि आप उसका स्लेव या उसका नौकर ना बन जाओ और कॉन्शियस होकर उसके ऊपर जाकर उसे समझो कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, चाहे वो नशा हो या कुछ और। केमिकल्स को आपको राइट डायरेक्शन में लाने की जरूरत है। ऐसा बनो कि डोपामिन आपको नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से मिले। अगर ह्यूमैनिटी का 90% केमिकल्स पर डिपेंडेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन 10% में से बनो जो कि फ्री हो, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नशा एंड मेडिकेशन जो आजकल हर घर में है। अगर यही नशा आगे बढ़ता रहा ना, तो हमारी जो आज की जनरेशन की क्वालिटी है, लेट्स अज्यूम 90 की रेटिंग है, तो अगली जनरेशन जो होगी वो नशे के चलते 40 रेटिंग पर चली जाएगी। क्वालिटी ऑफ थिंकिंग कम हो जाएगी। नशा एक जाल है और कुछ नहीं, एक ऐसा जाल जो कि कुछ देर के लिए आपको हेवन का अनुभव करा देता है पर जिंदगी भर के लिए आपको नर्क दे जाता है। लाइफ के बारे में सबसे मेन बात यह है कि चाहे वो बाहर मौजूद घास पर एक कीड़ा चल रहा हो या आप हो, यानी ह्यूमन बीइंग हो, सब अपने जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहता है। पर अगर जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीने के लिए आप नशे का सहारा लोगे, तो आपको इस यूनिवर्स की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी आपके डाउनफॉल से। कई महापुरुष आपको ये कहते हैं ना कि खुशी अंदर से आती है, कॉजलेस हैप्पीनेस एंड ऑल दैट, पर वो सब चीजें रूम के अंदर बैठकर सुनने में ही अच्छी लगती है। रियलिटी में कॉजलेस हैप्पीनेस को सिर्फ कुछ ही डीप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए नशा मत करो और अंदर से खुशी पाओ, ऐसी बातें मैं आपको नहीं कहूंगा, बल्कि नशा छोड़ो और खुशी ऐसी चीजों से पाने की कोशिश करो जो कि मटेरियलिस्टिक हो और रियलिस्टिक हो, क्योंकि यंग उम्र में मटेरियल सेटिस्फेक्शन जरूरी है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, खूब पैसा कमाओ या जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। बाहर से खुशी संभव है और बिल्कुल संभव है, इसे रियलिस्टिक खुशी बोलते हैं। लाइफ को जितना रियलिस्टिक जियोगे वो आपको उतना ही खुशी देगी। जितना रियलिस्टिक जियोगे आपके अंदर ईगो और घमंड उतना कम होगा, और जितना घमंड कम होगा आप उतना खुश रहोगे हमेशा। आप एक ह्यूमन बॉडी हो, तो एक ह्यूमन बॉडी जब किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखता है, तब वो इन दो चीजों में से एक चीज को सोचता है कि स्टेटस में वो मेरे से ऊपर है या नीचे है, ये रहे या नहीं रहे इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। जब भी आप किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखो, तो हमेशा सोचो कि ही इज ग्रेट, वो इंसान मेरे से भी ऊपर है स्टेटस में। हर इंसान को ऐसा रिस्पेक्ट दो कि वो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी ईगोलेस सोच जो रखते हैं ना, सफलता उसके पीछे कुत्तों की तरह भागते चली आती है। दिमाग में बैठा लो इस बात को। और ये जो रेस्पेक्ट वाली बात मैंने आपको बताया, इससे आपकी ईगो कम होगी, और जब ईगो कम होगी तब आप नशे की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि नशा आपके ईगो को बढ़ाता है। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि दारू पीने के बाद लोग वो बोल जाते हैं जो नॉर्मली कभी सोच भी नहीं सकते बोलने का, वो फेक कॉन्फिडेंस के चलते ऐसा कर पाते हैं। अरे बिना नशे के तुम कॉन्फिडेंट बन के दिखाओ ना, तब हो तुम असली हीरो। तो जब आपके अंदर ईगो कम रहेगा तो नशा का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए गिव रेस्पेक्ट वाली टिप बहुत इनडायरेक्ट, पर ये देखो कि कैसे ये इनडायरेक्टली आपको नशे से दूर ले जाएगी। अब गिव रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि सीधे बनकर इस दुनिया में जियो, नहीं, जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ जरूरी है, वहाँ पर आप अपने ईगो का इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप हमेशा ईगोलेस बनकर रहो। आपने तो ये नोटिस किया ही होगा कि सफल लोगों को जब लोग देखते हैं, तब वो कहते हैं कि ही इज सो हम्बल, इतना बड़ा बन के भी इतना हम्बल है, वो सफल है और उसके बाद हम्बल है। ये बात गलत है, वो हम्बल है, उसके अंदर ईगो कम है, इसलिए वो अपने जिंदगी में सफल हुआ है। इंसानी दिमाग जिस तरह इवॉल्व हुआ है, वो ऐसे इवॉल्व हुआ है कि दिमाग उस समय डोपामिन या अदर फील गुड केमिकल्स निकालता है जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपके सर्वाइवल को बनाए रखता है, जैसे जिंदगी में सफल होना, अच्छे मार्क्स पाना, पैसा कमाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा दिन तक जीने में मदद करेगा। जिंदगी की हर नौटंकी और भौच को निकाल दे तो आपका शरीर का डीएनए सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश कर रहा है, आपको जिंदा रखना, आपको सर्वाइव्ड रखना।
तो ड्रग्स, नशे वाले सब्सटेंसेस, ये सब चीजें एक्चुअली ब्रेन को ट्रिक कर देती है, एक तरह से हैक कर देती है, और ब्रेन को फॉल्सली ये लगता है कि वो आपके सर्वाइवल को बूस्ट कर रहा है, इसलिए वो नशे के समय खराब के बदले अच्छे केमिकल्स निकालने लगता है। मतलब नशा आपके दिमाग को धोखा देने के बराबर है। नशा करते समय आप अपने दिमाग को धोखा देते हो, आप सफल हुए जिंदगी में और तब डोपामिन निकली, इसमें तो आपका दिमाग भी खुश और आप भी खुश, और एक्चुअल में जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज हुई है और तब डोपामिन निकला है, इसमें कोई बुराई है ही नहीं। पर नशे में डोपामिन निकलता है, यही लोगों को फेक खुशी के जाल में फंसा देती है। नशे और एडिक्शन के बारे में कुछ फैक्ट सुनो। 13 साल की उम्र ही वो एवरेज उम्र है आजकल की दुनिया में, जिस उम्र में ज्यादातर लड़के और लड़कियां नशा पहली बार करते हैं। नशे के लिस्ट में टोबैको और अल्कोहल फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आते हैं। दुनिया में 50% सुसाइड्स और क्राइम्स नशे के कारण ही होती है, उसमें नशा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है। 50% से भी ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में नशा इन्वॉल्व होता है। पेन किलर्स आजकल लोग नशे के तौर पर ले रहे हैं, एक ऐसा पिल जो ड्रग नहीं भी होते हुए ड्रग का काम करता है एक्चुअल में, ओवरडोजिंग के समय। इस दुनिया में नशे के चलते करीब 5,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे दुनिया को हर साल होता है। अंदर से खुशी, आपने तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो एक्चुअली ये बात 100% सही है कि खुशी के लिए आपको किसी बाहरी चीजों पर, नशे पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर, आपके हार्ट के अंदर पीस है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, आपके विद इन पूरी की पूरी एक यूनिवर्स है जो कि इस बाहर की यूनिवर्स से कहीं ज्यादा बड़ी है। असली चीज, असली अनलिमिटेड प्लेजर, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, पीस की दुनिया तो आपके अंदर पड़ी है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक जोक है। एक जगह बैठो आप और ये सोचो कि खुशी आपके अंदर से निकल रही, तो आपको सच में ऐसा फील होगा कि आपके हार्ट से कुछ रेडिएट हो रहा है। असल में अनलिमिटेड खुशी आपके विद इन प्रेजेंट है और आपके कमांड का इंतजार कर रहा है वो। आप जब खुशी मांगोगे तब तब आपको एक खुशी मिलेगी, और वो भी अनलिमिटेड फ्रॉम विद इन। ये डीप लोगों के लिए था। ये ऐसे जनरली तो आप चीजों से ही खुशी पा सकते हो आप चाहो तो, डिपेंड्स अपॉन यू, बट नशा से नो। डीप बातें जो होती है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए पहले मटेरियलिस्टिक चीजों को अनुभव करना होगा। अगर अभी अगर आप स्टूडेंट हो या यंग हो, तब पहले आपको अच्छी करियर बनाकर खूब पैसा कमाने की जरूरत है, ताकि आप पैसों को भी एंजॉय कर लो, और फिर तब आपको पता चले कि मनी, स्टेटस और पावर, इन सब चीजों से ज्यादा खुशी तो आपके विद इन है। पर इन सब चीजों को रियलाइज करने के लिए पहले आपको मटेरियल नीड्स को पूरा करना होगा, तभी आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें समझ आएंगी। खैर, विद इन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीजें, ये सब तो बाद की बात है। पहले अपने लाइफ और अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी देना सीखो। अपने बॉडी को फिट बनाने का जुनून लाओ। सब्सटेंसेस वाले नशे से दूर रहो और सफलता का नशा करो। ये करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये लाइफ, ये जिंदगी ही आपके लिए